हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो हमारे पास सीटेट के जो सेकंड पेपर के प्रश्न हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। लगभग शुरू के 8-10 प्रश्नों को ही देखेंगे इस सेशन के माध्यम से। कई सारे लोग कह रहे हैं कठिन प्रश्न थे, आइए चलिए देखते हैं कठिन थे या फिर आपसे कुछ जाँचना चाहते हैं। जब भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं तो आपसे कुछ स्पेशल आपसे जानकारियां लेना चाहते हैं, वो आप कठिन तो नहीं दिए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं, टाइम टेकिंग हो सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर डेढ़ वर्ष में 15,972 हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यदि वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि वही ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो। अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रश्न। आइए चलिए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका था कि 12,000 से 15,972 हो गया, यानी कि 3,972 रुपये का कहा जाए कि ब्याज मिला है कितने पे, 12,000 रुपये पे। अगर हम इसका एक अनुमान लगाना चाहें, चार ऑप्शंस हैं। डेढ़ वर्ष में अगर हाफ ईयरली है तो 15,972 हो रहा है, अगर ईयरली होगा तो इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, कुछ 150 रुपये 100-200 रुपये, ठीक है, लगभग कम होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा इसका ऐसा कुछ लगता है कि जो थोड़ा बहुत परसेंटेज में थोड़ा कम हो, तो ये वाला तो नहीं है, ये भी बहुत कम है, ये एकदम 22 रुपये ही कम है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा और इससे ज़्यादा होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन लगता है, ऑप्शन ए। अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो मैं ऑप्शन ए पे लगाता, परंतु एग्ज़ाम के प्रश्न हैं तो तुक्का तो आप लगाएंगे नहीं, हम देख लेते हैं। तो 3,972 रुपये मिल रहे थे 12,000 रुपये पे, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, और इसका हम निकाल लेंगे कि भाई कितना प्रतिशत लगभग हुआ। तो 12 तिरिक आपका 360 हो जाता है, 12 तिरिक 36, ठीक है, और फिर से 3 और फिर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 331 यानी कि 33.1 के लगभग में ये आएगा। और जैसे ही हमने 33.1 देखा तो हम समझ गए कि अरे ये तो 10% था, क्योंकि 10% ही 3 बार मिलकर के 33.1% बनाता है, ठीक है, ये आप जानते हैं, ठीक। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको इतना आना चाहिए था कि ये 10% होगा। और आप जानते हैं कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो आपका ब्याज का दर जो होता है वो आधा हो जाता है और टाइम दोगुना हो जाता है, तो डेढ़ का दोगुना 3 हो गया और 3 वर्ष में 10% के हिसाब से 33.1% ही मिलता है। इस कारण से इसका 10% ब्याज दर होगा हाफ ईयरली का, आधा ब्याज का दर, तो पूरा ब्याज का दर 20% हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के 20% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर डेढ़ वर्षों के लिए हमको निकाल देना है कि कितना हमको ब्याज या फिर कितना हमको अमाउंट मिलेगा। तो 12,000 पे पहले साल जो है 2,400 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, 12,000 पे पहले साल 2,400 रुपये मिल गया 20% के हिसाब से, दूसरे साल भी 2,400 मिल गया, और जो दूसरे साल होगा वो इस 2,400 रुपये पे फिर से 20% यानी कि 480 मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि डेढ़ वर्ष ही था, यानी कि अगले साल का आधा आधा ही हमको लेना होगा, ठीक है, तो 24 का आधा 1200 और 480 का आधा 240, ठीक है, तो कुल मिला करके 2400 प्लस 1200 3600 प्लस 240 यानी कि 3840 रुपये और इसमें ऐड हो जाएगा अगर अर्ध वार्षिक होगा तो, ठीक है, तो 12,000 में 3840 यानी कि 15,840। नेक्स्ट लिखा हुआ है पी इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, पी इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, एक लाइन ए बी, इस पर एक पॉइंट पी, एक लाइन ए बी, इस पे एक पॉइंट पी, ठीक है, एंड पी क्यू इज़ अ रे, पी क्यू इज़ अ रे, पी क्यू इज़ अ रे सच डैट क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इज़ इक्वल टू 7x, एंगल क्यू पी बी इज़ इक्वल टू 5x, यानी कि 12x इज़ इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 15, यानी कि 8x माइनस 10 यानी कि 120 माइनस 10 यानी कि 110 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स आइटम ए फॉर रुपीज इतना 384, देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ 20%, व्हेन ही सेल्स आइटम बी फॉर 400, देन देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ़ ही सेल्स बोथ द आइटम फॉर अ टोटल ऑफ 852। आइए भाई, 20% लॉस पे बेच रहा है यानी कि 80% पे बेच रहा है, तो इसको 800
₹84 मिल रहे हैं, ठीक है। 884 ये 80% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू नहीं 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 चार का वैल्यू है इतना, तो पाँच का वैल्यू निकाल दीजिए, पाँच की वैल्यू हो जाएगी चार की वैल्यू 4 9 36 और 24 96 आ रहा है, तो पाँच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, चार की वैल्यू है एक की वैल्यू 96 आ रही है, तो पाँच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 480, यानी कि इस आइटम ए का वैल्यू जो हो गया सीपी हो गया ₹480, याद रखिएगा। ऐसे ही आइटम बी जो है 25% का प्रॉफिट है, यानी कि पाँच की वैल्यू आपकी है 400, तो चार की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8 5 8 होता है 80 से, तो 4 यानी कि 320 हो जाएगी, ठीक है। ये आप निकाल सकते थे, पाँच की वैल्यू 400 है तो 80 से गुणा किया हुआ है, इसको भी चार को भी 80 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ये मैंने रेशियो में इसको निकाल लिया है, ठीक है, तो 320 ये हो गया, यानी कि दोनों को मिला करके तो 480 प्लस 20 500 और प्लस 300 यानी कि ₹800 क्रय मूल्य है, यानी कि आपका सीपी है, बेच रहा है ₹852 में, यानी कि ₹52 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए ₹50 का प्रॉफिट मान लेते हैं, ₹800 पे गुणा 100 कर देते हैं और हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, काट देते हैं, ठीक है, 8 ये 25 बार में, ये 4 बार में, 25 के आधे का आधा, 25 का 1/4 यानी कि 25 के आधे का आधा यानी कि 12.5 का आधा 6.25, लगभग 6.25 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चूँकि यहाँ पे 52 था और मैंने 50 ही लेकर के किया है, 52 लेंगे तो 6.25 जो आ रहा था वो बढ़ करके 6.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एस इज़ अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा हुआ था, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसके साइड पी क्यू पे एक पॉइंट एस है, सच डैट पी क्यू पी आर एस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्यू एस, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा तो इसका इक्वल होना बताता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और आपका जो पीले वाले से मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला एंगल दोनों एक बराबर होगा, ठीक। और आपको देख रखा था कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी कि इस एंगल की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी थी, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, और ये दोनों मिला करके 15 दुनी 30 हो गया, तो ये वाला एंगल आपका 150 आ गया, और ये 150 आया तो आप जानते हैं कि एक थ्योरम होता है कि किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं, तो अगर इसको एंगल एक और इसको एंगल दो मान लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल 1+2 के बराबर होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो ट्राइंगल एक बन रहा है, यहाँ पे 150 है, तो ये दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं यानी कि 75-75 डिग्री के दोनों हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा आ गया कि ये दोनों 75 डिग्री के और ये दोनों 15 डिग्री के। अब हमको क्या करना है, 2PQR, PQR यानी कि ये वाला एंगल 75 गुणा 2 यानी कि 150 माइनस PRQ यानी कि 75 यहाँ से यहाँ तक और 15 यहाँ से यहाँ तक यानी कि 90, ठीक है। तो 150 में से 90 माइनस यानी कि 60 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि x इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, आइए इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको हम क्यों ना कहें कि 2 × 2 × 99 यानी कि 2 × 9 × 11 कह देते हैं, ठीक है, और 550 को हम कह देते हैं 5 × 11 × 2 × 5, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, पेयर बनाना था चूँकि अंडर रूट में था, तो 11 का एक बाहर निकला, ये 9 का 3 बन करके बाहर निकला, ये 2 का एक पेयर बाहर निकला, और एक 5 का पेयर भी बाहर निकल गया, ठीक। तो 11 + 33 33 × 2 66 66 × 5 यानी कि 330, ए की वैल्यू आपकी आ गई 300, एक्स की वैल्यू आ गई 330, वाई की वैल्यू आएगी कितनी आएगी निकालते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम क्यों ना 9 × 11 कह दें, और इसको हम क्यों ना कह दें 3 × 121 यानी कि 11 × 11, तो 11 का एक पेयर मतलब एक ट्रिपलेट इसमें बाहर निकालना होता है, तो एक ट्रिपलेट 11 का, और ये 9 को हम 3 × 3 क्यों ना लिख दें, तो 3 × 3 3 बार है, तो एक बार 3 बाहर निकल गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 33, x की वैल्यू 330, y की वैल्यू 33 यानी कि 1/x
प्लस वन अपॉन वाई यानी कि 1/330 प्लस 1/33 दोनों का एलसीएम 330 वन आया प्लस 10 आया 11/330 यानी कि कट गया 1/30 यानी कि 0.03333 यानी कि 0.03 पे बार यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है भाई 0.1/30 को 0.3 कैसे लिखा गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1/3 को हम 0.3333 लिखते हैं तो 1/30 होगा तो 0.03333 लिखेंगे। ठीक है, और इसको 3 पे बार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ पी की वैल्यू कुछ दे रखी है, माइनस करके लिखा हुआ है, तो पी को एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, देखिए भाई 10 जीरो था तो 2 जीरो तो मतलब 10 के पावर 10 था तो 10 का पावर 2 तो इसको हटाने में चला गया इस पॉइंट को, यानी कि ये 10 का पावर 2 चला गया। अब 8 जीरो बचा हुआ है तो 8 जीरो और बढ़ा दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और इसमें जो है 2 तो आपका चला गया हटाने में और 7 जीरो और रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच गया 567, तो लिख दीजिए 7, 6 और 5, माइनस कर दीजिए जो आएगा आंसर हो जाएगा 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0। ठीक, कैरी लीजिए 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे फिर से कैरी लीजिए 10 और 13 में से 6 गया 7। ठीक है, फिर से कैरी लीजिए 10 और 2 12 में से 5 गया फिर से 7, 1 बचा और 1 बचा 1 1 7 7 3 0 0 0 0, इतना तो कितना जीरो है भाई 7 जीरो इधर है और 8 9 10 11 यानी कि 1.1773 × 10^11 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ रिसिप्रोकल ऑफ दिस। इसका रिसिप्रोकल लिखा हुआ है, देखिए माइनस वन का मतलब होता है कि भाई ऑलरेडी इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये हो जाएगा रिसिप्रोकल ऑफ इसका लिखा हुआ था, तो इस माइनस वन का मतलब तो ऑलरेडी ये रिसिप्रोकल हो गया और फिर इसका रिसिप्रोकल यानी कि फिर से वही आ गया। ठीक है, फिर से वही आ गया 7/4 ही आ गया, इसका रिसिप्रोकल यही हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका सबसे पहले तो वैल्यू हो जाएगा माइनस फोर, क्यों, क्योंकि 1/4 पर माइनस वन था तो आप जानते हैं पलट जाता है। ठीक है, माइनस वन का मतलब पलट जाता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इज 7/-4 × -4 माइनस से माइनस कैंसिल 4 4 = 16 यानी कि 7/16 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कितना टाइम का वीडियो हो गया, लगभग 13 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, आइए, अच्छा ये DI आ गया, चलिए इतने ही क्वेश्चंस को अभी रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को अगर आप कहेंगे तो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं थे, आप चाहते 13 मिनट में मैंने 7 क्वेश्चन आपको समझाते हुए लगाए हैं, पहली बार लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कई बार लगा रहा हूं। इसको भी आप आसानी से कर सकते थे, खाली फैक्टराइज़ कर लेना है इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई आपको बताए हैं। ठीक, चलिए तो इसको आप कीजिएगा, जल्दी हम इसके सारे को आंसर भी बता देंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।